हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। अरे आपका भाई हो यार, यार थोड़ा जोर से और थोड़ा जोर से भाई, थोड़ा सा जोर से और। अरे बस, मैं सबसे पहले तो क्या बोलो, मैं सीरियसली मैं कभी चुप नहीं होता हूँ, लेकिन मैं बहुत इवेंट्स करता हूँ, आप लोगों की दुआओं ने कहाँ कहाँ पहुँचा डाला, तो क्या बोलूँ, मुझे कुछ सीरियसली समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या बोलूँ यार, क्योंकि ऐसा लग, मतलब जैसे मैम ने कहा कि अपने घर पे वापस आए, सीरियसली, लेकिन मैं कुछ भी करके आज जरूर कुछ अच्छा बोलूंगा। मैं सबसे पहले तो निर्मला कॉलेज के पूरे स्टाफ को, देसाई मैम को, पूनम मैम को, सारे मैम को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के वजह से अमरदीप सिंह नद यहां तक पहुंचा है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्योंकि एक बच्चे को आगे पहुंचाने के लिए उसका स्कूल और उसके कॉलेज का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। एंड सीरियसली मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कभी मैंने जिंदगी में ना प्लेन देखा भी नहीं था, आज आप लोगों के वजह से बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस। कभी जिंदगी में कोई गाड़ी नहीं देखी थी, ना बंगला देखा था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पापा एक वॉचमैन है, जब एक वॉचमैन का बेटा यहाँ तक आ सकता है तो सोच लो तुम लोग कहाँ पे पहुंच सकते हो। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, सिर्फ मेहनत करो एंड बस। और मैं बहुत कुछ बोलूंगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं यहाँ पे परफॉर्म भी करके जाऊंगा, लेकिन करता हूँ मैं परफॉर्म। मैं यार, लेकिन मैं सीरियसली निर्मला कॉलेज को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं कभी भी जाता था दूसरे कॉलेज में, काफी कॉलेज जा चुका हूँ इंटरनेशनली भी, लेकिन मैं हमेशा निर्मला को मिस करता था कि मेरा कॉलेज का इवेंट कब आएगा और मैं कब अपने घर जाऊंगा। तो फाइनली एक सपना आज वापस पूरा हुआ है। लास्ट टाइम मैं आया था तब मैंने डांस का सीजन 3 नहीं किया था, बट इस टाइम मैं वापस आया हूँ। एंड गाइज, और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसा प्यार आप लोगों ने मुझे डांस प्लस सीजन 3 में दिया है, वैसा ही प्यार प्लीज मुझे वापस देना, बिकॉज मैं वापस सुपर डांसर 3 में आ रहा हूँ ऑन सोनी चैनल। तो प्लीज आप लोगों का प्यार उसमें भी बनाए रखना, क्योंकि और मैं यही बात कर रहा था आते टाइम मैम से कि कल से ही उसकी शूट चालू हो रही है और आज मैं अपने घर पे आशीर्वाद लेने आया हूँ उस चीज का, तो मुझे पता है वो चीज अच्छी होने वाली। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंजॉय करो, मस्ती करो बिंदास, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। और इतना इतना हार्ड वर्क करो कि आज जैसे आप हमें देख रहे हैं, एक दिन आपको लोग ऐसे यहाँ पे खड़े होके देखे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।
अमरदीप, आप जो है निर्मला कॉलेज में आए हैं, एनुअल डे है, क्या कहना चाहेंगे, कितना नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को बताएं? सबसे पहले तो मुझे बहुत प्राउड मोमेंट हो रहा है कि मैं निर्मला कॉलेज से हूँ और देसाई मैम के साथ हम बैठे हैं यहाँ पे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कॉलेज एक अलग ही लेवल पे पहुँच गया है हर तरीके से, एंड हमेशा निर्मला कॉलेज ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर एक के लाइफ में कॉलेज और स्कूल का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, और वो निर्मला कॉलेज ने बहुत अच्छे से निभाया, और फाइनली कहीं ना कहीं निर्मला कॉलेज के सपोर्ट से आज मैं इस इंटरव्यू के लायक बन चुका हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्राउड देख के, मैनेजमेंट देख के और निर्मला का नाम देख के। मेमोरीज ताज़ा हुई और कुछ इमोशनल भी हुए आप? हाँ, मेमोरीज काफ़ी ताज़ा हो गई थी और मैं मेरे थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, वो मैं खुश था कि वापस पुराने दिन, और देसाई मैम ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया जिसमें मेरे पुराने परफॉर्मेंस के फ़ोटो, मैं पहली बार पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि वो मैं हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मैंने जैसे स्टेज पर चढ़ के यही बोला कि मैं काफ़ी इवेंट्स जाता हूँ, मैं काफ़ी कुछ बोलता हूँ, मस्ती करता हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं अपने लाइफ में चुप था। मैं पहले तो सोच रहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो ऑल क्रेडिट गोज टू निर्मला कॉलेज, थैंक यू सो मच। अमरदीप तो है ही यहाँ पे, लेकिन और भी दो बहुत स्पेशल जी है हमारे साथ में। मैम, सो प्लीज इफ यू कैन ऐड समथिंग टू द एंटायर एनुअल डे फेस्ट साथ में। वेरी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, मतलब जो लव एंड जो परफॉर्मेंसेस थे बहुत बहुत एनर्जेटिक थे, बहुत ही अच्छे लगे। इट्स रियली नाइस टू बी हियर, इवन द मैनेजमेंट, इवन अरुणा मैम, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर, इट्स रियली नाइस। या आई हैव बीन टू मैनी कॉलेजेस, जैसे हम हर कॉलेज में जाते रहते हैं जज करने के लिए, बट आउट हियर यहाँ पे वो कुछ अलग ही, यू नो लाइक यू ट्रीटमेंट, द वाइब बहुत ही फैमिली टाइप भी है, और सेम टाइम पे यू फील लाइक अ स्टार ऑल्सो, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तो ऐसा लग रहा है राइट साइड पे मॉम है तो लेफ्ट साइड पे फैंस है। बहुत बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था एक्चुअली। मैं अभी तक जिधर भी गया अभी तक ऐसा फील कभी नहीं किया, सो आई थिंक आई वुड से थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई थिंक अब नेक्स्ट जब भी होगा आप मैं डेफिनेटली, आप मेरे को पूछने की जरूरत भी नहीं कि बोला आ रहे हो क्या, इट विल बी अ यस। जो पूरी फैकल्टी भी है यहाँ पे कॉलेज के, सब प्रिंसिपल, सब लोग मौजूद हैं यहाँ पे, यू नो इंडीड अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ यू एक्चुअली, यू आर प्रेजेंट ओवर हियर। सोचा था इस तरह से कुछ करना है बड़ा, क्या कुछ ज़हन में था व्हेन यू एक्चुअली थॉट दैट समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू बी प्लान्ड, इट्स गोइंग टू बी हैपन, इफ यू कैन स्टार्ट विद द। इसमें बहुत सारा प्लानिंग गया है, 300 से ज्यादा बच्चे आज स्टेज पे, इतने बड़े स्टेज पे, इतने बड़े क्राउड के सामने कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर चुके हैं, एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन दैट यू नो, और इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। एक्चुअली सोचा नहीं था कि इतना बड़ा होगा, डेफिनेटली वी हैड प्लान फॉर अ बिग थिंग, बट दिस हैज बिकम सुपर बिग एक्चुअली विद अमरदीप आवर ओन स्टूडेंट बीइंग हियर, वी हैव द टू अदर पीपल अलोंग विद अस, आवेश दरबार एंड उन्नति मल्हारकर ओवर हियर, सो इट इज लाइक द क्राउड इज गोइंग क्रेजी, यू मस्ट हैव सीन देयर राइट अवे कि क्राउड भी इतना क्रेजी हो गया इनको देख के, खुद निर्मला को इनको देख के, सो दे आर रियली हैप्पी, सो वी फील कि ये जो इवेंट है वो सुपर सक्सेसफुल हुआ है, एंड दैट इज द एफर्ट्स ऑफ एवरीवन ऑल टुगेदर, बिकॉज एनीथिंग रिक्वायर्स टीम वर्क, एंड इन दिस इंस्टीट्यूशन यू विल फाइंड दैट द यूएसपी, द स्ट्रेंथ, द की स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज टीम वर्क, बिकॉज एवरीबडी फ्रॉम प्यून टू प्रिंसिपल, एवरीबडी इज इक्वली पार्टिसिपेटिंग, एवरीबडी इज इक्वली इन्वॉल्व इन दिस इवेंट। कोई भी इवेंट तब सक्सेसफुल होता है जब वहाँ पे टीम वर्क, यहाँ पे सब लोग निर्मला परिवार बन के काम करके ये इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। फैंटास्टिक अरुणा मैम, अमरदीप ने बहुत तारीफ की आपकी, यू नो कुछ कुछ और सच ही है वो। हाँ, ये कौन से है? ये मेरा शायद से 2009-10 था, शायद से शायद से शायद मैं बोलूँ, मैं पहले अमरदीप के बारे में बोलूँगी। मैम, आपका फेस नहीं याद रखता है। हाँ, मैं अमरदीप के बारे में बोलूँगी। 2005 में हम शिफ्ट हुए कांदीवली ब्रांच में, तभी हमने बनाया, इसके साथ कोई दो तीन लड़के और थे, हमको निर्मला को पब्लिक में जानने के लिए इंटर कॉलेज इंटर कॉम्पिटिशन में जाना था। मेरे को याद है कि हम कोरियोग्राफर नहीं रखते थे जी, अमरदीप, पॉल, सागर, डैनियल, मिठी बाई, जयहीन,
ठाकुर इधर के ठाकुर दालमिया शराफ आगे लेके हम हर एक में हम फर्स्ट नंबर आए फर्स्ट और तभी निर्मला आई है अरे निर्मला नंबर लेके गई ऐसा मतलब ऐसे हम जाते थे तो जैसा अमरदीप ने बोला ठीक है लेकिन जब हमारा फर्स्ट नंबर आता था इंटर कॉलेज में जब फर्स्ट नंबर आता था तो नो कोरियोग्राफर नथिंग ओनली ए स्टूडेंट और हमारे ध्यान में आ गया मैं बहुत एक इमोशनल बताती हूँ कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था इधर और ये लोग ने इंटर कॉलेज में बॉम्ब ब्लास्ट की पूरी ट्रेन बना के जो डांस परफॉर्म किया था किसके भी आँख में आंसू आ जाता ऐसा वही स्टेशन का सीन वही थी छोटे बच्चे रोते हैं कोई बुड्ढे एकदम लोही लुहान है ऐसे ट्रेन में कुछ लटके हुए पूरा सीन उन्होंने क्रिएट किया लाइव कर दिया लाइव कर दिया था और एक्सलेंट और जो पब्लिक भी देखी थी वो रोई थी हम बार बार अभी भी ये डांस में जब भी कुछ होता है तो मैं ये डांस करवाती हूँ ये डांस करो वो पुराने यादें थोड़े बहुत ताज़ा हो रहे हैं तो जब भी ये लोग आ गए लाइम लाइट में तो हमारा पूरा स्टाफ का हमारा प्रयास रहा है कि ये जो है वो आगे आए और ऑल द टाइम हम कुछ भी उनके लिए योगदान देने के लिए रेडी थे कि नहीं तुम आ गया हो हम डांटते भी थे क्योंकि ये लोग बेसमेंट में डांटते रहते थे कुछ तोड़ फोड़ कर देते थे कुछ रात को 9-10 बजे तक बैठते थे तो हमको चिंता रहती थी कि यार कोई कंप्लेन कर देगा लेकिन आफ्टर ऑल फाइन आज भी मेरे को बहुत प्राउड हुआ कि अमरदीप इधर तक पहुँच गए और वो निर्मला कॉलेज का ये इवेंट के बारे में मैं बात करूँ तो बहुत सारे लिस्ट हमारे पास थे MJ5 ये लोग बोलते थे ना मेरे को तो मैं गूगल से निकालती थी फिर लास्ट में नहीं अमरदीप मतलब मेरा नसीब अच्छा है बेस्ट पार्ट इज ही स्टिल सो हम्बल अरे मैम एंड ही इज सो डाउन टू अर्थ एंड जैसे उन्होंने कहा कि पुअर पीपल को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं सो आई एम सो प्राउड टू से दैट हमारे कॉलेज में हर स्ट्रेटा के लोग हैं हर स्ट्रेटा के बच्चे हैं ओके फ्रॉम द हायर इनकम ग्रुप लोअर इनकम ग्रुप फिर भी वो सबको ये स्टेज पे परफॉर्म करने का उनका टैलेंट दिखाने का चांस मिला है दिस वाज सच अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस टुडे दैट यू नो आई हैव नो वर्ड्स टू से यू नो हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ आई थिंक ऑल ऑफ अस शेयर द सेम इमोशन एंटायर निर्मला परिवार बिलीव्स दैट यू नो द कॉलेज इज फॉर द स्टूडेंट्स लास्टली अमरदीप आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि ये कॉलेज फेस्ट है और कॉलेज के बहुत सारे यूथ आपको फॉलो करते हैं तो कुछ कहना चाहेंगे कोई मैसेज देना चाहेंगे जो उनको इंस्पायर करें या फिर आगे फ्यूचर में क्या देखना चाहिए अगर हमारे थ्रू आप कुछ कन्वे करना चाहेंगे मैं सारे यूथ को जो देख रहे हैं जो निर्मला कॉलेज है या कहीं से भी मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग रिजेक्ट हो रहे हो ये बात याद रखना कि ऊपर वाला आपके लिए कुछ और बड़ा सोच रहा है बस ये पॉजिटिविटी लेके चलिए आप हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे और बस सच्ची राह पे चलिए नशे में मत जाइए और वो सारी रास्ते माँ बाप का नाक कटेगा माँ बाप का नाक ऊंचा करना है हमें तो बस मैं यही कहूँगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और सब कुछ मेहनत के वजह से ही होता है और नसीब में मैं भरोसा नहीं करता मेहनत से सब कुछ होता है तो थैंक यू सो मच मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे ने जो भी डांस किया पूरे पोइसर के गरीब बच्चे हैं उसमें मैं अमरदीप देख रही हूँ नेक्स्ट अमरदीप उसमें कौन होगा ऐसी ट्रेनिंग हम उसको दे रहे हैं थैंक यू सो मच दे पे ओनली 14,000 पर ईयर जी सर मैं आपसे मिस करना चाहूँगा जी सर कि आप अपनी कॉलेज से 100 स्टार आवे आपके जैसे जी जी ऐसे देसाई मैडम को सारी टीम को विश करें थैंक यू सो मच आई नीड फॉर 100 स्टार पर डे 100 स्टार्स पर डे ना सर निर्मला पर डे लेकिन पर डे 100 स्टार्स पर डे 900 पर डे स्टार नहीं नहीं देखिए सर मैं इतना बड़ा कोई स्टार नहीं हूँ बस यही है कि हम सपोर्ट कर सकते हैं जितने भी आए और हम कोई बहुत बड़े स्टार नहीं होते सिर्फ ये है कि किसी की दुआओं के वजह से हम टीवी पे पहुंच जाते हैं लेकिन हमारे से भी बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं बस ये है कि हमें मौका मिला है हमें उसे अच्छे से यूटिलाइज करना है बस यही थैंक यू सर थैंक यू हाँ और मैं निर्मला कॉलेज को वापस एक बार दिल से बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ
और इतना बड़ा इवेंट सीरियसली देसाई मैम, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये कुछ अलग ही लेवल पे, ऐसा लग रहा है कि कोई अवार्ड फंक्शन में मैं आया हूँ। तो सीरियसली ये जिस तरीके से मैनेजमेंट, लाइटिंग, स्टेज एंड ऑल, साउंड इतना खतरनाक, तो थैंक यू सो मच निर्मला कॉलेज, थैंक यू मीडिया को मैं कहना चाहूँगा, आप लोग अपना टाइम निकाल के हमें जो इंटरव्यू ले रहे थे उसके लिए भी थैंक यू सो मच, थैंक यू निर्मला कॉलेज। हे पे फोर रे निर्मला कॉलेज, हे पे फोर रे।